के मिला है, 8 गो के कार्ड पर हमको नाम है, 5 गो का राशन मिलता है, 5 गो का राशन, 3 गो का राशन नहीं। क्या नियम है सर कि देवे के 5 पसरिया हो जाता है चावल है याद में, 5 किलो चावल क्या हो गया, वजन में भी कम मिलता है, कम रहता है सर, 3 पसरी गोहूँ मिलता है, कहीं 11 किलो 12। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन जारी किया गया था, इसी को देखते हुए गरीबों को लगातार राशन उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अनाज मुहैया करा रही है, मगर घोसी प्रखंड के साहपुर पंचायत में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा खाता धारक को यूनिट के हिसाब से अनाज उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इससे परेशान ग्रामीण लिखित शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद को दे दिया गया है। अपने आवेदन में ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनिल शर्मा पर ग्रामीणों ने यूनिट के हिसाब से राशन न देने का बात कही है। ग्रामीणों के मुताबिक प्रत्येक महीने 5 से 10 किलो राशन कम दिया जाता है, साथ ही साथ मिट्टी का तेल 5 महीनों में वितरित ही नहीं किया गया। हमको मिलता है 8 पसेरी देता है 5 रुपए देता है। होली में हमको तेल मिला है, उसके बाद तेल नहीं मिला। अच्छा, राशन भी उधर 1 महीना से राशन नहीं मिला, उसके बाद मेरा वो अगला महीना ने 1 महीना का राशन मिला, 1 किलो का राशन मिला, 8 गो के कार्ड पर हमको नाम है, 5 गो का राशन मिलता है, 5 गो का राशन, 3 गो का राशन नहीं। क्या नियम है सर कि देवे के 5 पसरिया हो जाता है चावल है याद में, 5 किलो चावल क्या हो गया, वजन में भी कम मिलता है, कम रहता है सर, 3 पसरी गोहूँ मिलता है, कहीं 11 किलो 12। राशन गरीब जनता है जो लॉकडाउन लगा है, जिसकी वजह से हम लोग सभी बाहर प्रदेश कमाते हैं वहाँ से बंद हो गया है, और वही राशन मिलता था जिससे हम लोग सारा परिवार जीते हैं। अच्छा, और डीलर अनिल कुमार है जो कि उसका लाइसेंस कोरमा के नाम से है। अच्छा, और वो मनमानी और दबंगई करके बंधुगंज में बांटता है, जो कि मोदनगंज प्रखंड में पड़ता है, जो कि बिल्कुल अनलीगल है, कि यहाँ गाड़ी आने जाने की भी सुविधा है, लेकिन वो राशन यहाँ लेकर नहीं आता है। अच्छा, और वहाँ अपने घर के पास में बांटता है, समय नहीं मिलता है, कभी वो अयोध्या बंद करके चला जाता है, कभी कुछ करता है, और अगर 40 किलो मिलता है तो 35 किलो ठहरता है, 5 किलो उसमें काट लिया जाता है। अनिल सर, सिर्फ साल भर में एक बार जो होली का समय आता है, उस समय क्या होता है कि होलिका दहन में लोग हैं जो तेल का जरूरत पड़ता है उसको जला करके और होली फेंकते हैं, उसी के लिए बुला करके 1 लीटर देते हैं, बाकी तेल कभी नहीं देते हैं। आते हैं हम लोग तो वहाँ पे नशा में रहता है, पी के गाली देता है और तेल डाल देता है, उसका घर रहता है इसलिए हम लोग नहीं कुछ बोल पाते हैं, दबंगई करता है और गाली देता है भी, कई बार हमको तेल भी दिया है। इस बारे में हम SDO साहब से बात किए सर, तो SDO साहब बोले कि आप कंप्लेन लिख करके दीजिए, हम SDO साहब के व्हाट्सएप पर कंप्लेन किए, उसके बाद 1 घंटा में वो है जो 2 MO को यहाँ जाँच के लिए भेज दिए, जिसका मेरे पास वीडियो सबूत भी है, और यहाँ पे सारे जनता है जो उनके विपक्ष। कार्रवाई हुई है कि नहीं? कुछ कार्रवाई तो अभी तक कुछ नहीं हुई है, जबकि हम लोग MO साहब के कहने पर वहाँ सुनवाई भी हुआ है SDO साहब के यहाँ, 5 गो जनता हम लोग जा करके वहाँ भी बोले हैं, और जो उनको स्पष्टीकरण मांगा गया था अनिल सिंह के, उसमें 5 आदमी का नाम दिए थे, और वो जो 5 आदमी का नाम दिए थे उसमें किन्हीं आदमी है जो साइन नहीं किए थे। अच्छा, वहीं 5 आदमी जा करके वहाँ SDO साहब के बोले कि हम लोग कोई साइन नहीं किए, हम लोग को साइन मिलाया जाए।